इन वजहों से शादी के बाद प्रेगनेंसी में आती है दिक्कतें। पुरुष भी हो सकते हैं इसके जिम्मेदार। शादी एक बाद एक शादीशुदा जोड़े से उसके घर वालों से लेकर बाहर लोग भी इसी उम्मीद में बैठे रहते हैं कि दोनों गुड न्यूज कब देंगे। एक शादीशुदा कपल की भी यही चाह रहती है कि वो कब जल्द से जल्द पेरेंट्स बन जाए और उनके घर भी एक नन्हा मुन्ना मेहमान आ जाए। लेकिन अक्सर लाख कोशिशों के बावजूद भी कुछ शादीशुदा जोड़े बच्चे पैदा करने की इच्छा को पूरी नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह होती है महिलाओं में प्रेगनेंसी में आने वाली दिक्कतें। हमारे समाज में अगर कोई औरत माँ नहीं बन पाती है तो इसके लिए केवल उसे ही दोष दिया जाता है, जबकि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम कई बार पुरुष की वजह से भी आ सकती है। आज हम आपको शादी एक बाद प्रेगनेंसी में आने वाले दिक्कतों के कुछ कारणों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसे जानना सभी के लिए बेहद आवश्यक है। एक खराब लाइफ स्टाइल की वजह से भी प्रेगनेंसी में आती है दिक्कतें। आपको बता दें कि इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी के हेड और फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर रणधीर सिंह का कहना है, आजकल अधिकांश महिलाओं को कंसीव करने में दिक्कतें उनकी खराब लाइफस्टाइल रूटीन की वजह से भी आ सकती है। डॉक्टर रणधीर सिंह का कहना है कि प्रेगनेंसी के दौरान आने वाली ये दिक्कतें टेम्पररी होती है और इन्हीं कुछ सिंपल इलाजों और लाइफस्टाइल मीटर परिवर्तन लाकर ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर रणधीर ने प्रेगनेंसी के दौरान आने वाली दिक्कतों के कुछ कारणों के बारे में बताया है, जिसका जिक्र हम नीचे करने जा रहे हैं। इनके अनुसार आजकल अक्सर शादीशुदा जोड़े में प्रेगनेंसी से जुड़ी समस्याएं स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से आ सकती है। इस वजह से एक महिला को कंसीव करने में आ सकती है प्रॉब्लम। डैश स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से अधिकांश पुरुषों में स्पर्म काउंट और फर्टिलिटी घट जाता है, जिस वजह से उनकी पत्नी को प्रेग्नेंट होने में समस्या आ सकती है। स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से ज्यादातर पुरुषों की फिजिकल एक्टिविटी भी इफेक्ट होती है और इस वजह से भी प्रेगनेंसी में महिलाओं को दिक्कतें आती है। डैश इनफर्टिलिटी एक सपर्क डॉक्टर रणधीर की माने तो स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से अधिकांश महिलाओं में प्रोलेक्टिन नामक हार्मोन बढ़ जाता है, जिस वजह से उन्हें प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। महिलाओं के शरीर में इस हार्मोन के बढ़ने की वजह उनके पर्सनल लाइफ या कार्य क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं होती है, जिस वजह से वो स्ट्रेस का शिकार होती हैं और डिप्रेशन में चली जाती है। डैश अक्सर पुरुषों में किसी प्रकार की यूरिन समस्या होने पर या फिर टीवी जैसी बीमारी से ग्रसित होने पर भी उनका स्पर्म काउंट घट जाता है, जिस वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी में एक नन्हे मेहमान के आने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पुरुष जब इन समस्याओं से ग्रसित होते हैं तो उन्हें विशेष तौर से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और सही समय पर इलाज करवा लेना चाहिए, वरना आगे जाकर वो बाप बनने के सुख से वंचित रह सकते हैं। डैश महिलाओं में भी प्रेगनेंसी से जुड़ी समस्या उनके यूट्रस में टीवी होने की वजह से आ सकती है। डॉक्टर रणधीर का कहना है कि अधिकांश महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन और टीवी की समस्या होने की वजह से उनका फेलोपियन ट्यूब काफी छोटा हो जाता है, जिस वजह से उन्हें कंसीव करने में काफी परेशानी आती है। समय रहते ही इन समस्याओं का निदान कर लेना चाहिए, वरना जिंदगी भर प्रेगनेंसी में समस्या बनी रह सकती है। डैश आजकल की गलत लाइफ स्टाइल की वजह से अधिकांश पुरुष सिगरेट और शराब की लत में लिप्त रहते हैं। एक सीमा से ज्यादा सिगरेट और शराब पीने की वजह से भी पुरुषों का स्पर्म काउंट घट जाता है और इस वजह से उन्हें पिता बनने में परेशानी आ सकती है। इसलिए आजकल पुरुषों में 35 से 40 की उम्र के बाद स्पर्म काउंट काफी कम हो जाता है, जिस वजह से उन्हें बाप बनने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। डैश अधिकांश महिलाओं में 40 की उम्र के बाद मेनोपॉज और हार्मोनल चेंज होने की वजह से प्रेगनेंसी में समस्या उत्पन्न होती है। डॉक्टर रणधीर सिंह के अनुसार शादी के बाद एक निश्चित उम्र में ही कपल्स को बच्चा प्लान कर लेना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में उन्हें और भी अधिक समस्या हो सकती है। डैश पुरुषों में थायराइड जैसी होने की वजह से भी स्पर्म काउंट कम हो जाता है और उन्हें बाप बनने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।